अब तक आपने रामलीला के मंचन में भगवान राम को रावण का वध करते देखा होगा, लक्ष्मण को राम की सेवा करते देखा होगा, लेकिन यूपी के वाराणसी में रामलीला के दौरान एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने सभी को हैरान कर दिया। लोगों ने स्टेज को छोड़ दूसरी तरफ डेरा जमा लिया, क्योंकि वहां राम लक्ष्मण योगी सरकार के खिलाफ अलग ही लीला दिखा रहे थे। तो क्या है इस अनोखी रामलीला की वजह, देखिए इस रिपोर्ट में। वाराणसी के ये राम लक्ष्मण योगी सरकार को समझाते रहे कि इस गंदगी पर ध्यान दो, पीएम के संसदीय क्षेत्र को गंदगी से दूर करो, कम से कम उस जगह को तो साफ करो जहां रामायण की जाती है। लेकिन राम की भक्ति करने वाले ना योगी जागे और ना जागा उनका प्रशासन, इसलिए अब राम लक्ष्मण को ही रामायण छोड़कर धरना देना पड़ा। दरअसल हर साल धनेसरा तालाब के पास ऐतिहासिक लाट भैरव रामलीला का आयोजन किया जाता है। आयोजकों का दावा है कि लाट भैरव रामलीला 16वीं शताब्दी के मध्य से होती आ रही है। इसे रियल टच देने के लिए राम केवट संवाद का मंचन तालाब में ही किया जाता है। लेकिन रविवार को जैसे ही रामलीला की टीम धनेसरा पहुंची तो देखा कि तालाब कूड़े से पटा हुआ है, साथ ही बदबू इतनी ज्यादा थी कि राम लक्ष्मण बने कलाकारों को उल्टियां शुरू हो गई। इस हाल को लेकर गुस्साए 21वीं सदी के ये राम लक्ष्मण धरने पर बैठ गए। इनका कहना है कि कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन योगी के राज में सुनवाई कहाँ, इसलिए इस बार उन्होंने रामलीला को छोड़कर धरना देना ही शुरू कर दिया। वहीं इस धरने के बाद योगी के प्रशासन की भी नींद टूटी। अतिरिक्त नगरपालिका आयुक्त एके सिंह ने साइट पर कलाकारों को मनाया और आश्वासन दिया कि तालाब के साथ रामलीला मैदान को भी साफ कराया जाएगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।